हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेजी वर्ल्ड। तो ये चलते हैं आज आपको इटली की सैर पर, और यहाँ हम गुजर रहे हैं ऑस्ट्रिया और इटली की हसीन तरीन वादियों में से। तो मैं आपको पहले ही बता चलूँ, हम यहाँ गए थे कोविड के फौरन बाद। जैसे ही कोविड की रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हुई 2021 के अंदर, हमने अपना सफ़र इटली की तरफ किया। घर बैठे बैठे इतना थक गए थे कि दिल चाह रहा था कि इन सारी रिस्ट्रिक्शंस को भूल के बस हम फ्री घूम सकें। तो फिर बिना सोचे समझे, लिटरली ऑन लास्ट मिनट, हमने ये सफ़र प्लान किया। तो हम पहुँचे यहाँ पर लीडो दी जिसेलो, जो कि जर्मनी से ऑलमोस्ट 9 to 10 hours की ड्राइव है। इट डिपेंड्स आप जा कहाँ से रहे हैं। अगर तो आप हाईवे से जा रहे हैं तो आप ऑब्वियसली जल्दी पहुँच जाएंगे, लेकिन अगर आप जा रहे हैं विदाउट टूल्स से, जो कि विदाउट टूल रोड है, तो वहाँ से आप को ऑलमोस्ट 12 आवर्स भी लग सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन ट्रैफिक एंड वहाँ के स्पीडिंग के ऊपर कि हाउ मच स्पीडिंग यू कैन डू। सो हम ऑलमोस्ट 12 घंटे में पहुँचे थे, क्योंकि हमने बीच में एक बहुत हसीन झील के किनारे अपना दोपहर का खाना खाया और ब्रेक किया। और ये है हमारा होटल, जिसका नाम था ग्रिफोन। होटल के साथ ही बिल्कुल फ्री पार्किंग एरिया, एंड फिर होटल के बैक साइड के ऊपर बीच। ओ माय गॉड, आई वाज टू एक्साइटेड। इट वाज जस्ट 500 मीटर अवे फ्रॉम आवर होटल। तो फिर हम चलते चलते पहुंचे बीच की तरफ, जो कि बहुत हसीन था। सूरज भैया भी हमसे कुछ ज़्यादा दूर नहीं, बिल्कुल पास ही हुआ करते थे, और ये आज हमें बिल्कुल बुरे नहीं लग रहे थे, क्योंकि हमें चाहिए था सूरज, पानी और उसके अंदर डुबकियाँ। ये एक बहुत साफ सुथरा और कंप्लीट ऑर्गेनाइज बीच था, जिसके अंदर वॉशरूम की सहूलत मौजूद थी, शावर लेने की पूरी पूरी सहूलत मौजूद थी, गर्म ठंडा पानी, हर तरह की सहूलत जो आपको एक बीच के ऊपर चाहिए होती है यहाँ मौजूद थी। सीटिंग अरेंजमेंट से लेकर नहाने धोने तक का इंतज़ाम सब कुछ मौजूद था। वक्त कम था और मुकाबला बहुत सख्त, जगह की भी किल्लत थी। तो फिर हमने शुरू किया सर्च ऑपरेशन और ढूंढी अपने लिए एक मुनासिब सी जगह। और फिर क्या था, जगह मिलने का इंतज़ार था, और हम थे और पानी था। पानी बहुत मज़े का था, थोड़ा सा ठंडा था, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे कि एक बीच का पानी होना चाहिए, क्योंकि इटली का मौसम इतना हसीन है। ऊपर 32 grad, वाओ, और नीचे ये हसीन पानी। और यहाँ हम इंजॉय करते हुए जावियान, फर्स्ट टाइम पानी के अंदर, समंदर के अंदर, आई वुड से समंदर के साथ बहुत सारी अटकोलियाँ झटकोलियाँ करने के बाद हम थक चुके थे। और फिर किया हमने दोपहर के खाने का इंतज़ाम, वहीं पे बीच पे बैठकर मिट्टी के साथ थोड़ा थोड़ा खाना भी खा लिया था। और आपको और मुझे तो अपना बचपन याद ही है कि खाना खाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती थी। इसी तरीके से बच्चों को भी सिर्फ पानी चाहिए था, खाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैंने भी करने दिया इनको एंजॉय, क्योंकि यही तो हैं बचपन के दिन, जो कभी लौट कर नहीं आते। और ये शाम के वक्त, जब सारी आवाम जा चुकी थी और यहाँ सन्नाटा हो चुका था, ये पानी भी काफ़ी चढ़ गया था और धूप ने भी हमें टाटा बाय बाय कह दिया था। बस दिल तो नहीं जा रहा था, मगर हमें जाना पड़ा। और फिर नेक्स्ट डे हम चल दिए जो दुनिया की सबसे फेमस जगह है। बच्चा बच्चा इस जगह को जानता है और कहीं ना कहीं दिल में ख्वाहिश करता है कि एक दिन हम इस जगह ज़रूर जाएं। तो हम भी पहुंच गए उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे, हम पहुँच गए हैं इटली के अंदर वीनस में। और फिर यहाँ घूमने फिरने के बाद हम चले गए वापस अपने होटल, और फिर किया जिसेलो को एंजॉय, और फिर लौट के बुद्धू घर को आए। तो होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।